हाय। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, और डायरेक्टली कौन से इनकम फ्रॉम सैलरी आते हैं वो जम करने से इंस्टेड ऑफ हम देखेंगे धीरे धीरे कि सैलरी होती क्या है और सैलरी टैक्सेबल कैसे होती है। तो इन दैट फर्स्ट इज व्हाट, सो लिसन, इनकम फ्रॉम सैलरी। सो दिस इज एम्प्लॉयर इन अवर एंटायर सैलरी पोर्शन में, ये हमारी एम्प्लॉयर है एंड ऑल दीज आर एम्प्लॉयज ऑफ दिस एम्प्लॉयर। तो सैलरी का मतलब क्या है और सैलरी क्या होती है, सेक्शन 15 होता है कि एवरी, मैंने पहले ही बताया था कि एवरी इनकम हैविंग अ चार्जिंग सेक्शन। तो सैलरी में चार्जिंग सेक्शन कौन सा आता है, सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में है क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी एंड सम एक्सप्लेनेशंस। सो वील सी धीरे धीरे वन बाय वन इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी यहां पे मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम, करेक्ट। सो नाउ लुक हियर, सो हियर अगेन व्हाट अपनी एम्प्लॉयर है इन द बिहाइंड माय, जो आपको जो पिक्चर दिख रहा है वो, एंड द सम एम्प्लॉयज आर देयर। तो वो कहते हैं कि पहले हमें सेक्शन 15 अंडरस्टैंड करवाओ कि सेक्शन 15 होता क्या है। तो दिस इज द सेक्शन 15। सेक्शन 15 सेज दैट आई एम अ चार्जिंग सेक्शन। तो क्या कहता है, तो सेक्शन 15 ये कहता है कि द फॉलोइंग इनकम शैल बी अ चार्जेबल टू द इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सो फॉलोइंग इनकम, विच टाइप ऑफ इनकम विल बी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सैलरी। तो एग्जैक्टली यहां पे 15 ने कोई बाइफ्रिकेशन नहीं दिया हुआ है, कोई डिफाइन नहीं किया, बट वो कहना क्या चाहता है वो देखो क्लॉज ए में। लुक हियर, क्लॉज ए, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। एनी सैलरी ड्यू का मतलब होता है कि मैंने वर्क किया है, अभी तक सैलरी मिलना बाकी है, और नॉर्मली ऐसा ही होता है। एंटायर मंथ ऑफ सैलरी करते हो और आफ्टर द मंथ, नेक्स्ट मंथ के 7th और 3rd और 4th को आपको सैलरी मिलती है। किसी किसी एम्प्लॉयर को एट द एंड ऑफ मंथ भी मिल जाती है। बट एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, यहां पे ड्यू का नाम बताया, ड्यू मतलब आपने वर्क किया है और आपको सैलरी रिसीवेबल है। और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी, फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉयर एज वेल एज फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी आपको सैलरी ड्यू हो तो, एसएससी इन द प्रीवियस ईयर, वेदर पेड और नॉट, बट ऑब्वियस वो कहते हैं कि ड्यू बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल करो। ड्यू मतलब भले आपको अभी तक मिला है या नहीं मिला, दैट डजेंट मैटर, बट आपने वर्क किया है, आपको सैलरी वो ड्यू हो चुका है, तो उसको कहते हैं हम ड्यू सैलरी। सो द सैलरी इज ड्यू। सैलरी ड्यू कब होता है, जब आप एंटायर मंथ वर्क करते हो तब आपके नाम पे सैलरी क्या होता है बच्चों, ड्यू होता है। तो यहाँ पे सेक्शन 15 ये कहना चाहता है कि सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू। ड्यू हो गया, इट विल बी अ टैक्सेबल इन द हेड ऑफ सैलरी फॉर यू, करेक्ट। नाउ क्लॉज बी क्या कहता है, सो लुक हियर। तो क्लॉज बी सेज दैट एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और एंड बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। सो इसका मतलब क्या हुआ पता है, वर्क करने से पहले ही आपको सैलरी मिल गया, बोला है ना, इवन दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। ड्यू कब होता है, जब काम करोगे तब। अब ये ड्यू होने के पहले ही आपको सैलरी मिल गया, तो मतलब सैलरी पेड और अलाउड टू हिम मतलब रिसीव्ड, आपको पहले ही सैलरी मिला है काम करने से, एडवांस में मिला है। आपको सैलरी कैसे मिला है, एडवांस में। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि इस साल का सैलरी भी मुझे चाहिए और एम्प्लॉयर को बोला कि सर मुझे अगले साल का भी दीजिए, अगले साल का 4 महीने का मुझे सैलरी आज ही दे दीजिए। एम्प्लॉयर कहता है कि क्यों, तो वो बोलता है कि जरूरत है, मुझे चाहिए अगले 4 महीने की सैलरी आज ही दो। अगले 4 महीने उसने काम किया है क्या, नहीं है, अभी तक तो वो फ्यूचर है, आना भी बाकी है, ठीक है, बट स्टिल
एम्प्लॉयर हैज गिवन अमाउंट टू हिम बिफोर इट बिकम्स ड्यू, सो इट विल बी अ टैक्सेबल ऑन द रिसीव्ड बेसिस. पहला ऑप्शन था ड्यू बेसिस पे चार्जेबल करो. दूसरा ऑप्शन है कि सपोज ऐसा एडवांस में सैलरी मिलता है तो वो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल करो. उस साल का वेट मत करो ड्यू होने के लिए, उस साल का वेट नहीं करना है हमें ड्यू होने के लिए, इस साल का रिसीव्ड है टैक्स इट. तो यहां पे लिखो, देखो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एडवांस सैलरी, तो सैलरी ड्यू भी टैक्सेबल होता है, एडवांस सैलरी मिला तो भी टैक्सेबल होता है. अभी क्लॉज सी क्या कहता है, नाउ लुक हियर. The clause C is talking about any arrears of salary paid or allowed to him. Arrears मतलब outstanding salary. Normally ये private employees के बारे में तो नहीं होता, ज्यादातर ये government employees के बारे में होता है कि arrears मतलब उनका salary change हो गया. मान लीजिए कि उनका salary क्या हो गया, change हो गया. कैसे change हो सकता है उनका salary? तो उनका सैलरी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस. गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, अभी इनका सैलरी काम करो, पहले से काउंट करो. पहले से काउंट क्यों करना है? रिवाइज टर्म से. अब जब रिवाइज टर्म से आप पिछले साल से कुछ कैलकुलेट करोगे तो एडिशनल अमाउंट निकलेगा ही ना, तो दैट एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड एज वॉट कॉ एरियर सैलरी. तो एरियर सैलरी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर और द फॉर्मर एम्प्लॉयर if it is not charged to income tax for the earlier previous year. But obviously earlier मतलब पिछले previous year में वो था ही नहीं, वो आज calculate किया, आज पता चला कि वो पिछला का outstanding amount है, तो वो last time taxable नहीं हुआ था, तो काम करो इस साल taxable करो. last time taxable नहीं हुआ था तो इस साल taxable कर दो, जब मिलेगा तब. तो इसको कहते हैं arrears of salary. तो मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने एरियर्स ऑफ सैलरी भी उनको दे दिया है. तो मुझे तीन चीजें पता चली, क्लॉज ए में पता चलता है कि ड्यू बेसिस, क्लॉज बी पता चलता है कि भाई एडवांस सैलरी, क्लॉज सी पता चलता है कि एरियर्स ऑफ सैलरी आल्सो टैक्सेबल ऑन द रिसीट बेसिस. तो फाइनली ए बी सी से कंक्लूजन क्या मिलता है? तो फाइनली ए बी सी से कंक्लूजन यह मिलता है कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. सेक्शन 15 ये कहता है कि सैलरी पहले ड्यू हुआ है या रिसीट पहले हुआ, जो भी पहले हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे. ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, वो टैक्सेबिलिटी हमें करनी है. बट दिस सेक्शन हैविंग सम एक्सप्लेनेशंस, इस सेक्शन को क्या है सम एक्सप्लेनेशन है, चलो विल जंप ऑन दैट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. करेक्ट, लुक. तो देखो वो एक्सप्लेनेशन क्या है. तो एक्सप्लेनेशन ये है, पहला वाला एक्सप्लेनेशन, वन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट. फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर डिक्लेयर दैट वेयर द एनी सैलरी पेड इन एडवांस, वेयर द एनी सैलरी पेड इन एडवांस इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन. वो कहते हैं कि एनी सैलरी पेड इन एडवांस, जब सैलरी एडवांस में मिल गया हो, सैलरी एडवांस में मिल गया हो और वो इनकम में कंसिडर हो चुका है पहले साल, जिस साल वो मिला है उस साल में, जिस साल में वो एडवांस सैलरी मिला है उस साल में वो कंसिडर ऑलरेडी हो चुका है, इट शाल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन व्हेन द सैलरी बिकम्स ड्यू. अरे भाई एडवांस सैलरी आज टैक्सेबल किया ना, आज मैंने अगले चार महीने का सैलरी मैंने आज लिया, अगले चार महीने का सैलरी मैंने आज लिया, तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कब चार्ज किया? आज चार्ज किया. तो जब ड्यू होगा तो फिर से टैक्सेबल मत करो, खुद ये एक्सप्लेनेशन देता है, या तो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल करो या तो ड्यू बेसिस पे, क्योंकि सेक्शन 15 कहता है रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर. तो आपने रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल कर दिया ना, तो ड्यू बेसिस पे अगेन क्यों टैक्सेबल करोगे? नहीं कर सकते. यही वो एक्सप्लेनेशन वन बता रहा है. ओके फाइन, ये एक्सप्लेनेशन वन की बात थी. एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है? एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म, फ्रॉम द फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म ने,
पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को सैलरी दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, रेम्यूनरेशन दिया, कोई भी सम हो, कुछ भी हो दिया, ओके दे दिया। और ये पार्टनर को मिला भी तो पार्टनर को वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं आती, क्योंकि सारे सेक्शंस को हमने देखा था वहां पे लिखा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। इसका मतलब है कि सैलरी का इनकम टैक्सेबल करने के लिए देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की नहीं होती है, प्रिंसिपल और एजेंट की होती है, मतलब वो वहां पे मालिक है और मालिक खुद के लिए सैलरी निकाले, सैलरी इंटरेस्ट दे, कमीशन दे, वो कुछ हजम नहीं होता सैलरी में, तो वो इनकम सैलरी में नहीं करना है, उसको हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में लेके जाएंगे, यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक था सेक्शन 15 और सेक्शन 15 के हमने दो एक्सप्लेनेशन देखे कि अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि भाई एडवांस पे टैक्सेबल हो गया तो ड्यू पे मत करो, और पार्टनर को जो भी मिलता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो दिस इज द सेक्शन 15। और लिसन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट्स करना मतलब मत भूलना, और जितना ये शेयर हो सके उतना करो, क्योंकि बेनिफिट अदर्स को भी मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।